कोरोना वायरस के हालात में तबलीगी जमात को बनाया गया निशाना। Do not use the word ignorance. It's not ignorance. It's willful. It's deliberate. It's well planned. It's a damn conspiracy. इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है? इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही? ऐसा अब लग रहा है कि जानबूझकर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग साजिश के तहत ऐसा करते हैं। पूरे देश के मुसलमानों को किया गया बदनाम। About 50% of all the cases, 50% of all the cases across India in the last one week are only and only because of the Tablighi Jamaat Markaz. So who are these people? जमात और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काने में मीडिया का बड़ा रोल। पॉपुलर फ्रंट उस वक्त इंसाफ की लड़ाई में तबलीगी जमात के साथ मजबूती से खड़ी रही। PFI that is once again defending the Markaz violation. PFI has gone on to say that the Jamaat has been victimized in this case. PFI is going on to defend the Markaz violation. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन OMA सलाम ने मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें अदालत ने तबलीगी जमात के गैर मुल्की लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को खत्म कर दिया है। जस्टिस TV नालावड़े और जस्टिस MG सेवलेकर की डिवीजन बेंच का फैसला एक तारीखी फैसला है, एक ऐसे वक्त में जब इंडियन जुडिशरी की आज़ादी पर बड़ा सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले उम्मीद की किरण है। ये फैसला इंसाफ, सच्चाई और कानून की नज़र में बराबरी जैसे बुनियादी उसूलों से कभी समझौता न करने के इरादे को बहाल करता है। बेंच ने इस तरफ इशारा किया कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को इस हाल में पाती है कि मुल्क में जो कुछ भी गलत होता है वो सब उनकी गलती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक वबा को फिरकावाराना व सियासी रंग देते हुए मुसलमानों को बीमारी फैलाने वाला बताकर बदनाम किया गया और तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। इससे दुनिया भर में भारत की तस्वीर खराब हुई है। ये फैसला फिरकावाराना सियासत के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। फैसले से कुछ मीडिया के रोल पर भी सवाल उठाया गया है जिसने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इस प्रोपेगेंडे ने खौफ, शक और गैर मुल्की लोगों से नफरत का माहौल पैदा किया जिसके बाद पूरे मुल्क में बेकसूर मुस्लिम राहगीरों और फेरी करने वालों को निशाना बनाया गया। कई एक्टिविस्ट और तंजीमों ने भड़काऊ बयानबाजी और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर मीडिया और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं। इस फैसले की रोशनी में पॉपुलर फ्रंट अदालतों से अपील करती है कि वो सख्त कार्रवाई करे और अमन व फिरकावाराना हम आहंगी की बहाली को यकीनी बनाएं।